वेदों के बाद आज चलिए हम चलते हैं अब उपवेदों की ओर। हम उपवेदों को देखते हैं, जिस तरह से वेद हमारे पास है उसी तरह से उपवेद भी हमारे पास चार हैं, और वेदों और उपवेदों दोनों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास में है। वेदों का ट्रिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिया सात। उसी तरह से उपवेद भी इनके चार हैं और उन उपवेदों का नाम है आयु धनु गंध सी। यानी आयु धनु गंध सी जो है ये चार वेद रिया सात के उपवेद हैं। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। इस तरह से चार वेद और उनके चार उपवेद हो गए। इसके बाद अगले साहित्य पर हम चलते हैं। अगला साहित्य जो है ये है हमारा वेदांग। वेदांग का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वेद जोड़ अंग, यानी कि जो वेदों के अंग हैं इन्हें कहा जाता है वेदांग। यानी वेदांग एक तरह से वेदों के अंग हैं। वेदांगों की संख्या जो है ये है छह, और इन छह वेदांगों को याद करने के लिए भी हमारे पास में एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक्स है, और ये शॉर्ट ट्रिक्स है ब्याजो निसी कच। यानी कि ब्याजो निसी कच जो है ये छह वेद है, जो है ये हमारे पास छह वेदांग है। ब्या से जो होगा ये होगा व्याकरण, जो से होगा ज्योतिष, नी से होगा निरुक्त, क से होगा कल्प, और छ से होगा छंद। यानी कि ब्याजो निसी कच, यानी व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। टोटल हमारे पास जो है ये हो गए छह वेदांग। अब वेदांगों के बाद हम अगले साहित्य पर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण एक तरह के ग्रंथ है जो वेदों की सरल व्याख्या के लिए ऋषि मुनियों के द्वारा इनकी रचना की गई थी। इससे ज्यादा ब्राह्मण में कोई महत्वपूर्ण बात और नहीं है। ब्राह्मण के बाद हम चलते हैं अगले साहित्यिक स्रोत पर या अगले वैदिक साहित्य पर, जिसे कहा जाता है आरण्यक। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, यानी कि जंगल में रहने वाले विद्वानों के द्वारा जिन वैदिक पुस्तकों की रचना की गई उनको कहा जाता है आरण्यक। आरण्यक जो है इन पुस्तकों की विषय वस्तु है आत्मा, जन्म, मृत्यु और दर्शन संबंधी विषयों से ये पुस्तकें संबंधित हैं। सभी जो वेद हैं इन सभी वेदों के जो है ये आरण्यक हैं। सिर्फ दो वेदों के आरण्यक नहीं है, और वो है सामवेद और अथर्ववेद। यानी सामवेद और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक मौजूद नहीं है। आरण्यक के बाद हम चलते हैं अगले वैदिक साहित्य में, जिसको हम कहते हैं उपनिषद। उपनिषद जो है इसके शाब्दिक अर्थ पर पहले विचार करते हैं। उप का मतलब होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है कि गुरु। यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप या गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद जो है इनकी कुल संख्या है 108। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। भारत का एक आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, और उस उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। यानी भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य, गार्गी जो थी इस काल की एक विदुषी महिला थी और एक ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, तो गार्गी याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद का उल्लेख मिलता है वृहद आरण्यक उपनिषद में। इसी तरह से यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है, यानी मृत्यु के देवता यम और एक राजा थे नचिकेता, इन दोनों के बीच में सांसारिक बातों से लेकर के वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। आइए इसके बाद हम चलते हैं स्मृतियों में। स्मृति जो है ये वैदिक आर्यों के विधि विधान और सामाजिक कानूनों से संबंधित पुस्तक थी। यानी कि जो स्मृतियां हैं ये उस काल की कानून की किताबें थी जिसमें सामाजिक नियम कानूनों का उल्लेख है। और सबसे प्राचीन स्मृति जिसको माना जाता है ये सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। अब स्मृतियों के बाद हम चलते हैं महाकाव्य में। महाकाव्य जो है इनकी संख्या है दो, पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की, और बाद में जब मुगलों का पीरियड आया मुगल काल में तुलसीदास ने खड़ी बोली हिंदी में रामचरितमानस की रचना की। आइए अब बात करते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत के रचनाकार जो थे ये थे वेदव्यास।
महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता, पहले महाभारत का नाम था जय संहिता, बाद में इसका नाम हुआ भारत और उसके बाद इसका नाम हो गया महाभारत। मुगल जब भारत में आए तो मुगलों के काल में यानी अकबर के समय में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है इसका नाम है रज़्मनामा, यानी रज़्मनामा मुगलों के काल में महाभारत की फारसी में अनुवादित जो पुस्तक है इसका नाम है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आइए पुराणों के बारे में। पुराण का अर्थ होता है पुराना आख्यान, यानी कि जो पुराने विवरण है पुराना आख्यान है उनको कहा जाता है पुराण। पुराणों के रचयिता महर्षि लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, यानी पुराणों के रचयिता है महर्षि उग्रश्रवा और उसके पुत्र लोमहर्ष। पुराणों की संख्या जो है यह है 18, कुल 18 पुराण है और इन 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण जो है ये माना जाता है मत्स्य पुराण को। और पुराणों में जो विषय है तो पुराणों की विषय है प्राचीन राजवंश, प्राचीन राजवंशों की सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक आदि विषयों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है पुराणों से। इसके बाद हम चलते हैं व्याकरण साहित्य पर। इस काल में कुछ व्याकरण पर भी पुस्तकें लिखी गई। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक जो थी ये थी अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि नाम के एक विद्वान ने लिखा था, यानी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी और इनके लेखक थे पाणिनि। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने एक टीका ग्रंथ लिखा जिसका नाम है महाभाष्य। सीधे सीधे पूछा जाता है महाभाष्य क्या है, तो महाभाष्य जो है ये पतंजलि की जो अष्टाध्यायी थी अष्टाध्यायी पर ये एक टीका ग्रंथ थी जिसको लिखा था बाबा रामदेव के गुरु यानी कि पतंजलि ने इसकी रचना की थी। एक और पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है निरुक्त। निरुक्त के रचनाकार माने जाते हैं यास्क। अब आइए देखते हैं हम षट दर्शन के बारे में। इस काल में दर्शन पर 6 पुस्तकें लिखी गई जिनको षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। 6 दर्शनों का इस काल में विकास हुआ। इन 6 दर्शनों को याद करने का भी हमारे पास में एक ट्रिक है, क्योंकि यहाँ परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं दर्शन और उनके संस्थापक की, किस दर्शन को किसने दिया था, दर्शन और प्रतिपादक से प्रश्न पूछे जाते हैं विशेषकर मिलान करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से दर्शन थे और उनके प्रतिपादक कौन कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक, तो ट्रिक है दर्शन के बारे में पूर्व न्याय, संख्या योग, उत्तर विशेष। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपको चाहिए न्याय यानी पूर्व न्याय, संख्या योग, जहां संख्या आएगा वहां योग आएगा ही आएगा, और तीसरा है उत्तर विशेष। तो उत्तर दिशा जो है ये हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदुओं के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि उत्तर में कौन है, तो उत्तर में केदारनाथ और बद्रीनाथ विराजते हैं, इसीलिए उत्तर हिंदुओं के लिए विशेष है। तो उत्तर विशेष एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये है पूर्व न्याय, संख्या योग और उत्तर विशेष। अब आइए देखते हैं इनके जो प्रतिपादक है उनके बारे में। तो इनके प्रतिपादक है जागो, कपिपंत, बंद, कन, बस इतना ही। इनके जो है प्रतिपादक जागो, कपिपंत, बंद, कन। आइए अब इस कोड को डिकोड करते हैं। डिकोड करते हैं, सबसे पहले है पूर्व न्याय, तो पूर्व का हो गया पूर्व मीमांसा। दूसरा है न्याय, तो न्याय से हो गया न्याय दर्शन। तीसरा आते हैं संख्या योग, तो संख्या से हो गया सांख्य दर्शन और योग से हो गया योग दर्शन। और इसके बाद है उत्तर विशेष, तो उत्तर से है उत्तर मीमांसा और विशेष से है वैशेषिक दर्शन। और अब आते हैं प्रतिपादक पर कि इन दर्शनों का प्रतिपादन किसने किया, तो इन दर्शनों के प्रतिपादन करने वालों का कोड है जागो, कपिपंत, बंद, कन। तो जा से हो जाएगा जैमिनी ऋषि, गो से हो जाएगा गौतम मुनि, जागो हो गया, कपि से हो जाएगा कपिल मुनि, पंत से हो जाएगा पतंजलि, और बंद से हो जाएगा बद्रायन, और कन से हो जाएगा कनाद या उलु। अब आइए हम लोग इसको मिलाते हैं। पूर्व मीमांसा दिया था जैमिनी ऋषि ने, न्याय दर्शन दिया है गौतम मुनि ने, सांख्य दर्शन दिया है कपिल मुनि ने, योग दर्शन दिया है पतंजलि ने, उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन किया बद्रायन ने, और वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया कनाद या उलुक ने। इस प्रकार हमने जो वैदिक साहित्य और साथ साथ में हिंदू धार्मिक साहित्य को पूरी तरह से रिवाइज कर लिया। और इसी के साथ आज हम अपने इस क्लास को एंड करते हैं, अपने क्लास का द एंड करते हैं।